छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। क्या मामा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इस बार बकरीद में हम लोग ने कुर्बानी के लिए जानवर ही नहीं लाए। अरे इन लोगों की फजूल हरकतें खत्म हो तो इस घर में कोई काम हो ना। अब हमने क्या कर दिया बेगम? बिल्कुल चुप हो जाए, लफ्ज ना निकले आपके मुंह से अब। अच्छा अच्छा, लेकिन मम्मी जी। लड्डू तुम भी चुप हो जाओ, समझे ना। बस अब आप लोगों की सजा ये है कि जाइए और जाकर बकरा लेकर आए, और वो भी अपने पैसों से। अगर हमारे पास पैसे होते बेगम तो हम ये काम ही क्यों करते। बस मैंने कह दिया कल इस घर में कुर्बानी जरूर होगी, अब आप सोच लें किसकी करनी है, अपनी या बकरे की। लेकिन मम्मी जी, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी लाओ, तुम तो बहुत चालाक बनते हो ना, तो जाओ अब करो कुछ ना कुछ। मगर बेगम मेरी बात तो सुने। बस मैंने बोल दिया कल कुर्बानी हर हाल में होगी, अब किसकी होगी या आप खुद फैसला कर ले। टेरिस पे जा रही हूँ, चाय लेकर आइए। अच्छा बेगम। लड्डू कुछ खाने के लेकर आओ। जी बेगम। जरा जल्दी। जी। लड्डू कुछ खाने को तो लेके जाएगा ही ना, चाय भी ले जाना यार। ये सोचे जानवर कहाँ से आएगा। ये क्या है ससुर जी? मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। मुझे तो गुल्लक लग रहा है। अबे वही है, गुल्लक ही है यार। एक बात समझ में नहीं आई, लोग गुल्लक में पैसे रखते हैं, आपने अचार डाला हुआ है। देख भाई बात सुन, मैं इस वक्त बहुत उदास हूँ, मुझे ये बातें करके और मत तफा यार। अब ऐसा भी क्या हो गया? अबे अभी तूने देखा नहीं कि आर्डर मिला है कि जानवर लाओ जानवर, अब कहाँ से लाएं जानवर। ससुर जी अब जब आपने गुल्लक निकाल ही लिया है तो देर किस बात की, लाएं से तोड़ दें। मैं गुल्लक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा गुल्लक अपना। ससुर जी भूले मत, अगर ये गुल्लक आपने नहीं तोड़ा तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, ये बात तो है। यार तो लाएं गुल्लक तोड़ते। दे। मैं खुद तोड़ूंगा अपना गुल्लक, खुद तोड़ूंगा मैं। तोड़े, एक दो तीन। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा लड्डू, तू खुद तोड़ ले। मुझे पता था ये नेक काम मेरे हाथों से होगा। एक दो। मेरा दिल बिखर गया। हार्ट अटैक तो नहीं आया? गिनो इतने सारे पैसे, मुझे लगता है मम्मी जी के बहुत सारे पैसे चोरी किए आपने हैं, चोरी कर करके यहाँ गुल्लक में डालते रहे। ये दें, मुझे दें, कितने हो गए? मेरे पैसे गिने भाई। 500 का भी था, वो किधर गया? मेरा ये इधर लाए। कितने हो गए? ये हो गए 2000। 2000 में तो सिर्फ बकरे के पाए आएंगे। ससुर जी इनका बंदोबस्त हो गया तो बाकी का भी हो जाएगा। कहाँ से हो गए यार, कहाँ से, गुल्लक भी गई। जिंदगी में तो सभी प्यार किया। क्या बात है प्यारे मियाँ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मेरा मतलब है कि बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या पुलिस ने बहुत धुलाई की है तुमसे? मतलब अपने काम से काम रखो, समझ गए भाई? काम से काम रखो। लो बताओ, चोरी का बकरा बेच दिया मुझे। तो इसमें क्या मसला है, कल दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी कर लो। मैं बता रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगो, मैं परेशान हूँ। अरे भाई बात दरअसल ये है कि जब भी कोई खूबसूरत आदमी परेशान होता है मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। क्या वाकई मसला कुछ ऐसा है कि कल बकरा ईद है? ये क्या मसला है, हर साल बकरा ईद आती है। अरे आगे तो सुनो। बोलो। और अभी तक कसाई का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। अरे बस इतनी सी बात, ठीक है कल सुबह ही सुबह सबसे पहले तुम्हारा जानवर कटेगा, बस। क्या सच्ची? मुच्ची, मगर एक बात है प्यारे, में पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने? ये कोई 20,000 रुपए। 20,000? अरे मियां मैंने एक दर्जन जानवर नहीं कटवाना। तो ठीक है फिर कहीं और जाके कटवा लो। अरे बात तो सुनो भाई, ये लो 20,000 रुपए,
एडवांस एडवांस पूरे सही कह रहे हो। कल सुबह फजर के बाद। भाई बहुत शुक्रिया ससुर जी। हो गया बाकी पैसों का बंदोबस्त। अब ये देंगे? अगर ये मेरे बाप है तो मैं भी इनका बेटा हूँ, अगर ये शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। चले मेरे साथ। मेरी बात ना करना, मैं तो आधा पाव भी नहीं हूँ। अरे चले आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज। यार मियां एक बात पूछूं। हाँ हाँ। ये पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ धुलाई की थी? ये नहीं बताऊंगा साली क्या है? अच्छा एक बात याद रखना, सुबह तैयार रहना कुर्बानी के लिए। हाँ हाँ ठीक है। मेरा प्यारा अब्बा। बोलो बोलो क्या बात है? इससे पहले का तो आपको सब कुछ मालूम है, बल्कि आपकी ही वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तो इसमें मैं क्या करूँ? आप हमारी मदद करें। मैं अपनी कमाई से कुछ नहीं दूंगा। तो ये कौन सा मेहनत की कमाई है? ओ भाई मेहनत की नहीं है तो क्या है, हिम्मत की कमाई है, और किसी को बटोरने के लिए हिम्मत जरूरी है। हमारी मदद करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये देखो ये मेरे पैर जुड़े हुए। पैर? पैर नहीं हाथ है। हाथ जुड़े हुए। ठीक है ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे किस बादशाह से पाला पड़ा था। जाओ कहाँ जा रहे हो? बकरा लाने। बकरा लाने? मुझे ही बकरा बना दिया। ओहो या बकरा लाए या बकरे का बच्चा। बेगम हमारे बजट में जो मुमकिन हुआ वो ले आए। मगर पापा ये तो बहुत छोटा सा है। तो बेगम इसकी शादी तो करानी नहीं है, कुर्बानी करनी है, उसके लिए काफी है। ये क्या है? कंप्यूटर है। अबे यार नजर नहीं आ रहा, बकरा है भाई। ये बकरा है या कमिंग सून बकरा है? हमारे पास जितने पैसे थे ना उसमें यही आ सकता था। अबे चुप, मेरे सामने पैसों की बात मत किया कर, मुझे कह देता मैं दे देता। है? चलो कुर्बानी की नियत से बकरा आ ही गया है तो कल सुबह इसकी कुर्बानी कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मगर सुनो, इसको ना खाना पीना जरा अच्छे से देना, ताकि कल तक थोड़ा सा तो बड़ा हो जाए ना। ऐसा ना हो सुबह तक और सुकड़ जाए। और बात सुनो, इसके खाने के साथ साथ मेरे खाने का भी ख्याल रखना। क्यों, कल आपकी भी कुर्बानी है क्या? बेगम अब तो आप खुश है ना? किस बात पे? नहीं इस दफा कुर्बानी हमारे पैसों से हो रही है ना। अरे तो इसमें खुश होने की क्या बात है भाई, ये तो आपका फर्ज है। वैसे आपके भी बहुत सारे फराइज होते हैं। क्या 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 कहा? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि हमारे तो इसके अलावा भी बहुत सारे फराइज हैं। अच्छा अच्छा, बस अब ये फर्ज के चक्कर में ना कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बेगम बकरा तो आ गया है, अब क्या मसला है? हाँ हाँ बकरा तो आ गया, मगर क्या पालना है? कुर्बानी के लिए कसाई नहीं चाहिए क्या? अरे वाह बेगम वाह, अच्छा वो याद दिला दिया आपने। अच्छा वो अच्छा वो बहुत अच्छा, मैं अभी कसाई को फोन करता हूँ। अभी कर दे दो, अभी अभी। हाँ अभी। हाँ 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 हाँ। काम क्या कर लिया, ऐसे कर रहे पहाड़ सर कर लिया। ये ले हनी। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बकरे को देखकर। तुम्हें तो बकरा देखकर खुश होना चाहिए, हम पहली बार अपने पैसों से बकरा लेकर आए। लड्डू मुझे बहुत दुख हो रहा है, इतना प्यारा सा बकरा, इतना छोटा सा, इतना नन्ना मुन्ना सा, हम उसको काटेंगे तो क्या करें, गोद तो नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, तुम कसाई को बोलना जरा ना आराम से काटे, छोटा है ना प्यारा सा, आराम आराम से छुरी चलाए। हाँ, हमें बकरा से बात करना है, आम नहीं काटना। जो भी है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। और एक कसाई से मुझे याद है, हमने कसाई की बुकिंग तो करवाई नहीं। हाँ तो फिर जाओ ना जल्दी करो, कल वरना इस बात पे जंग होगी। और वैसे भी मम्मा आजकल बहुत गुस्से में, जाओ लड्डू। हाँ मैं अभी कसाई की बुकिंग करवाता हूँ कल के लिए, ठीक है? हेलो। हाँ मेरा प्यारा बकरा कटेगा। यार ठीक है बब्बन मियाँ, कल सुबह उसी जगह पर आ जाना जो मैंने तुम्हें बताया है। बस एक बकरा ज़बह करना है, वक्त पे आ जाना। हाँ बब्बन यार कमाल करता है तू भी, एक बकरा नहीं है, एक मेरा बकरा है, एक मोहल्ले का है, बस तू वक्त पे आ जाना। बस ठीक है, पैसे
कमाल करता है, बरसा बरस से मुझे जानता है, कभी मैंने तेरे पैसे रखे, बस तू जैसे ही आएगा मैं तेरे हाथ में पहले पैसे दूंगा, तू फिर बकरा जिबा करना। हाँ बस आ जाना वक्त पे। चलो शुक्र है कसाई का इंतजाम तो हो गया। कमाल हो गया, कसाई का इंतजाम हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है? अरे लड्डू इसके साथ ना मेरी पिक्चर लो, देखो कितना प्यारा बकरा आया है। अरे ये कुर्बानी का बकरा है, कोई फिल्म स्टार थोड़ी है जिसके साथ तस्वीरें खींचनी है। मैंने कह दिया ना मेरे साथ इसकी पिक्चर लो तो लो, और हाँ इसको जरा पकड़ के रखो, मुझे सिंह मार देगा। हाँ तो जाओ जरा करीब, सिंह खाओ। पकड़ो ना लड्डू, तुम सेल्फी ले लो मैं पकड़ लेता। मेरी भी खींचो। हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी है, बोलो छोटे जो पाला जो सिंह मार दे। अच्छा नहीं नहीं खींच लो खींच लो। ये कौन है? अबे ये कौन है, नजर नहीं आ रहा, कसाई है वो कौन है? तीन तीन कसाई यार, क्या हाथी गिराना है? अच्छा चलो भाई चलो कुर्बानी शुरू करो। ठीक है तुम अपना बकरा कटवाओ ताकि गोश्त अदली बदली हो सके। चलो भाई पहले मेरा बकरा काटो। भाई ओ भाई ओ, 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 मेरा बकरा मेरा ही कसाई काटेगा, समझे? अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना है और मेरा कितना है, पहले मेरा बकरा कटेगा। कुछ भी है भाई ओ, मेरे बकरे को मेरा ही कसाई काटेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब आया मेरा बेटा लड्डू, अब ये मेरी करेगा फेवर। मैं अपने कसाई का साथ दूंगा। हाँ। और मेरा बकरा मेरा लाया हुआ कसाई काटेगा। हाँ वाह भाई वाह, लोग एक कसाई के लिए मर रहे और आप लोगों ने कसाई की दुकान खोली भी है। ये गलत बात है, पहले मैं आया था गुलाम साहब। मुझे कल रात ही लड्डू भाई ने बोल दिया था, मुझे तो दोनों लेकर आए थे। ठीक है भाई एक काम करते हैं, अंदर चल के इस मसले का हल करते हैं। भाई कसाई सारे यही रहेंगे भाई, ठीक है? अबे मेरा कसाई काटेगा बाबा, मेरा कसाई काटेगा, मेरा लाया हुआ कसाई, बता रहा हूं मेरा लाया हुआ कसाई काटेगा। हां नहीं तो मेरा हां देखूंगा देखूंगा। बनिया मौका देखकर बकरा जिबा कर देना। अच्छा सर फिर कोई मसला तो नहीं होगा? अबे यार बब्बन जब बकरा जिबा हो जाएगा तो किस किस्म का मसला होगा? हाँ ये भी ठीक है, बस जैसे ही मैं इशारा करूं बकरा जिबा कर देना। अल्लाहु अकबर। ठीक है देखो भाई यह है मेरा घर, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे? तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? इंतजार, जैसे ही लोग इधर आदर हो तुम छुरी फेर देना बस। ओ देख लो भाई कोई मसला तो नहीं होगा? अरे यार जब बकरा कट जाएगा तो काय का मसला होगा यार। तो फिर ठीक है मैं कर लूंगा। हाँ बस ख्याल रखना, जैसे ही लोग इधर उधर हो जाए तुम्हारा काम है छुरी फेरना। मैं घुमा देनी है, ठीक हो गया बस। हाँ मुझे पता है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपका बकरा काट दूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उन दोनों ने भी यही अपने बोला था अपने कसाईयों को। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ज्यादा होशियार रहना होगा। टेंशन नहीं ले आप, बेफिक्र रहे। पक्का समझ आ, संभाल लेगा ना? संभाल लूंगा, पक्का देख लियो, गड़बड़ नहीं करियो। नहीं 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 बेफिक्र रहे आप। घर दामाद के घर दामाद दामाद। क्या कर रहे हो? अब शर्म करो, क्या ऐसे लड़ते हैं यार? बदतमीजी कर रहे हो, फटाफट लड़ाई कर रहे हो। जो बदतमीजी क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कर क्या रहे हो भाई तुम लोग यार, शर्म आनी चाहिए, क्या ऐसे लड़ते? अबे यार तड़प तो तुम ऐसे रहो जैसे किसी की जेब कट गई है। भाई इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकाले वरना बकरा ही गुजर जाएगी। रशीद भाई हाँ? आप जरा यार मेरी बात सुनो। क्या यार जिद जाने दे छोड़े। ए, थे, 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 डाले नूटी से छोड़े। मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम हो गया और पैसे भी मिल गए, समझ गए? एक काम करो ना, अब जल्दी से ना कलेजी का बंदोबस्त करो, मेरा कलेजी खाने को बहुत दिल चाह रही है। मेरे कलेजी खाने को बहुत दिल चाह रही है। अबे जब तुम्हारे यहाँ कुर्बानी हुई है तुम उस बकरे की कलेजी खाओ, हमारे बकरे की क्यों खाओगे? वो जो मेरे जिगर का कलेजा है ना, उसने सारी कलेजी मायके भेज दी। मेरा मतलब है कि तुम्हारी भाभी ने सारी कलेजी अपने घर भेज दी। अच्छा चलो ठीक है दे दूंगा कलेजी, अभी चलो। आ ये हुई ना बात। ओफो इतनी देर हो गई है, आखिर कुर्बानी कब होगी? बस थोड़ी देर में देगा।
क्या मामा, घर पे तीन तीन कसाई आए हुए और कुर्बानी अभी तक नहीं। हनी, इसी बात का तो मसला है कि कौन सा कसाई बकरा काटेगा है? इस वजह से अभी तक कुर्बानी नहीं हुई। यही समझे लड्डू, तुम अब तक कसाई लेकर आयो? हाँ लायो। ठीक है, फिर जाओ और जाके उसे वापस भेजो। क्यों, सुना नहीं क्या? जी मम्मी जी। गुलाम जी, आप अपना कसाई लाए। हाँ, लेके आया हूँ, वापस भेज दे उसे। जी बाबा, ताकि आज ही कुर्बानी हो सके ना, गोश्त कटे, हम सबको बांटे और साथ में हम कलेजी भी खाएं। हाय हनी, लड्डू इतने मजे की कलेजी बनाता है ना, कि क्या बताऊं, आप जल्दी जाएं ना। ठीक है बेगम, ठीक है। अरे चले जा 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 जी बेगम, जी बेगम वहीं खड़े। ईद का दिन है, गले ना का रसीद नजर लग जाएगी। ईद का दिन यार, इसे देखो यार, हम परेशान हैं और ये अपने गानों में लगा हुआ यार। रशीद भाई, वो ऐसा करें कि आप अपने कसाई से बकरा कटवा लें। नहीं नहीं गुलाम भाई, आप अपने कसाई से कटवा लो। नहीं नहीं नहीं, आप अपने कसाई से कटवा लें। मैं कह रहा हूँ गुलाम भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करते, लड्डू बेटा तुम अपने कसाई से कटवा लो। कहाँ से कटवा लूँ भाई? गले से। भगा दिया मैंने अपना कसाई कब का? कसाई भगा दिया? तो फिर गुलाम भाई आप अपने कसाई से कटवा लो। मैंने भी अपना कसाई भगा दिया भाई। तुमने भी भगा दिया? मैंने भी अपना कसाई भगा दिया है। क्या? क्या? अबे पकड़ो कसाई को। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मार के, घर का मार।